चलो बैठो। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ। देश के बहुत महत्वपूर्ण सवाल पर आपने मुझे पूछने का समय दिया है। अध्यक्ष महोदय, ये सरकार किसी और का रिकॉर्ड बनाए ना बनाए, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर ये सरकार बनाएगी। अध्यक्ष महोदय, मुझे इसके बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि पूछें। अध्यक्ष महोदय, मुझे बैकग्राउंड में नहीं जाना है कि कब कैसे किस संस्था को बनाया गया है। पूरे देश के छात्र इस पे आंदोलित थे। लगातार अखबार और सीबीआई की जांच के बाद चीज़ें सामने आ रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल भेजे जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से, क्या सेंटर वाइज जिन बच्चों को सबसे ज़्यादा नंबर मिले हैं क्या उसकी सूची जारी करेंगे? 30,000 सीटें जहाँ हैं, कई सेंटर अध्यक्ष महोदय ऐसे हैं जहाँ 2,000-2,500 बच्चे पास हो गए हैं। सरकारी सीटें 30,000 हैं, कई सेंटर में 2,000 से ज़्यादा पास हो गए। कई प्रदेश के ऐसी जगह है जहाँ पर कुछ सेंटर से 650 से ज़्यादा सबसे ज़्यादा नंबर हैं। और अगर वो संस्था इतनी क्रेडिबल थी तो अध्यक्ष महोदय, जिन सेंटर्स पे ये परीक्षा हुई उन सेंटर्स का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या था? क्या मंत्री जी ने जानकारी की थी इस बात की? ओके। अध्यक्ष महोदय, मेरे आपके माध्यम से एक ही निवेदन है कि बिना ये मंत्री जी रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा बच्चों को। अध्यक्ष महोदय, आदरणीय अखिलेश जी की प्रश्न का मैं विनम्रता से उत्तर देना चाहूंगा कि अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है केस, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया पूरा विद्यार्थियों की सूची को वेबसाइट में उपलब्ध करा दो। सर, पिछले 3 दिन से देश भर की सारे विद्यार्थियों की लिस्ट पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। यह सारा चीज़ खुले पे है और कई प्रकार की तर्क आ चुका है। सर, मैं एक अभी उसमें केरल के विद्यार्थी भी अच्छे किए हैं, क्या हम ये कहेंगे भी वहाँ भी कुछ गड़बड़ी हुई थी? ऐसे आरोप करना, मैं देश की ग्रामीण इलाका, देश की ST SC इस बार सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले देश की ST SC ग्रामीण बैकग्राउंड आर्थिक पिछड़े लोगों की है, क्या हम उनकी मेधा को हम चुनौती देते हैं? और बाकी रहा क्वेश्चन पेपर लीक की, सर मैं शुरू से मेरा एक स्टैंड रहा राजनीति नहीं करना, लेकिन अखिलेश जी जब वहाँ दायित्व में थे उस सुबह की, सर सारे सूची है कितने बार उत्तर प्रदेश में क्वेश्चन पेपर लीक हुए हैं। माननीय, एक मिनट प्लीज। राहुल गांधी जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? स्पीकर सर, इट्स ऑब्वियस टू द होल कंट्री, दैट देर इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन आर examination system. This is not just a question of NEET, it is in all the major examinations. Now, the minister has blamed everybody except himself. Right? I don't even think he understands the fundamentals of what is going on here. आप प्रश्न क्या है आपका? आ रहा हूँ सर। ये 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 मैं क्वेश्चन को सेटअप कर रहा हूँ। प्रश्न पूछ रहे हैं। ये the issue is that there are millions of students in this country who are extremely concerned at what is going on and who are convinced that the Indian examination system is a fraud. That is what is at stake here. Millions of people believe that if you are rich and if you have money, you can buy the Indian examination system. And by the way, and this is the same feeling that the people in the opposition have. And that is why we are asking some very simple questions to Honorable Minister. Number one, as this is a systemic issue, what exactly are you doing to fix this issue at a systemic level? Yes. That's okay. The first question. Okay. Question mein chal raha hai. Please. अब मैं मंत्री जी, मैं एक बार बोल दूं इस बात पे। चलो मंत्री जी, आप शॉर्ट में जवाब दो, फिर मैं बोल ही देता हूँ आज।
आप शॉर्ट में जवाब देना। अध्यक्ष महोदय, मेरे जो शिक्षा है, मेरे जो संस्कार है, मेरे जो सामाजिक जीवन है, मेरे को मेरे राज्य की, मेरे सूबे की जनता की स्वीकृति मिली है। मैं किसी की, मेरे बौद्धिक और मेरे संस्कार की सर्टिफिकेट मेरे को सारी सदन में किसी से नहीं चाहिए। देश की प्रजातंत्र में चुनके मेरे नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की भूमिका दिया है। मैं उनकी निर्णय से यहाँ उत्तर दे रहा हूँ सदन को। बाकी ये कहना चिल्लाने से सच झूठ नहीं हो जाएगा साहब। साहब ये जो कहा गया देश की अभी की एग्जामिनेशन सिस्टम रबिश है सर, इससे दुर्भाग्यजनक बयान देश की नेता प्रतिपक्ष का कुछ नहीं हो सकता है सर। मैं कठोर शब्द से उसको निंदा करता हूँ। बाकी रहा, मैं सर आपके सामने, आपके माध्यम से देश के सामने सर एक तथ्य रखता हूँ सर। जिन्होंने रिमोट से सरकारें चलाई है, 2010 में 3 बिल आया था सर शिक्षा सुधार के लिए, उन्हीं की पार्टी के नेता आदरणीय कपिल सिब्बल साहब 3 बिल लाए थे, उसमें से एक बिल था एजुकेशन, उसमें एक बिल था प्रोहिबिशन ऑफ अनफेयर प्रैक्टिस बिल 2010, जिसकी उद्देश्य एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में माल प्रैक्टिस को बंद करना। सर मेरे सरकार की हिम्मत है, अभी अभी हमने पब्लिक एग्जामिनेशन की रेगुलरिटीज में बिल लाए, कानून बनाए। क्या मजबूरी था कांग्रेस पार्टी की, क्या मजबूरी था नेता प्रतिपक्ष की, उन्होंने उस बिल को उठ रखा, किसके दबाव में उठ रखे, क्या निजी मेडिकल कॉलेज की दबाव में, उनकी उनकी घुसखोरी की दबाव में उन्होंने उस बिल को उठ रखा था। सच सुनने की सामने है ये, मैं किसी की विद्वता में प्रश्न नहीं उठाता हूँ, लेकिन सच 2010 में शिक्षा सुधार की बिल उन्हीं की सरकार ने लाया था, दबाव में उन्होंने उठ रखा, ये हमको प्रश्न पूछते हैं। एक मिनट प्लीज, मैं सबको मौका दिया, सबको मौका दूंगा। एक मिनट माननीय सदस्य, प्लीज एक मिनट बैठिए। नो एक प्लीज बैठिए आप पहली बार। हाँ एक मिनट, कल्याण जी कल्याण जी प्लीज, कल्याण प्लीज एक मिनट, प्लीज एक मिनट, एक मिनट सबको मौका दूंगा, एक मिनट प्लीज, एक मिनट। माननीय सदस्यगण, विषय महत्वपूर्ण था, मैंने सबको अलाउ किया, लेकिन एक बार ये सदन के अंदर ये सार्थक चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रश्न ये था कि परीक्षाओं के विषय के अंदर, और आप सबको पता है देश में अलग अलग राज्यों के अंदर भी अलग अलग दलों की सरकार रही, और उन अलग दलों की सरकार में आपकी भी सरकार रही, अन्य दलों की सरकार रही, वहाँ भी कई बार प्रश्न पत्र लीक हुए और परीक्षाओं पर प्रश्न उठे। मेरे सवाल, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, जिसको आप पूरी बात सुनिए मेरी, मेरा कहना ये है कि हम और उन राज, एक मिनट प्लीज बैठिए एक मिनट, नीट नहीं सारी, हमारा सवाल ये है कि हम यहाँ इसलिए चिंता के लिए बैठे हैं कि भविष्य में हमारे विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई विषय न उठे, इसलिए किस तरीके का मैकेनिज्म डेवलप करें, परीक्षाओं का क्या बेहतर सिस्टम डेवलप करें, इसमें सबके सुझाव आए, ताकि भविष्य के अंदर, और उसके लिए जो उत्तम सुझाव हो सकते हैं सरकार भी उस उत्तम सुझावों को मानेगी। एक मिनट, लेकिन हम अगर सारे परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो कई राज्यों में कई दलों की सरकार है जो परीक्षाएं आयोजित करती रहती है, हम सारी परीक्षाओं पर सवाल उठाएंगे तो जो बच्चे उत्तीर्ण होते हैं उनके भविष्य पर और भारत की परीक्षाओं पर, भारत की शिक्षण व्यवस्थाओं पर पूरे विश्व में एक बहुत गंभीर असर पड़ेगा, जो सदन की चिंता का विषय है। और इसके लिए
सभी राज्यों ने अपने अपने यहाँ कानून बनाए, संसद ने भी कानून बनाए। कानून बनाने के अलावा इस विषय के अंदर एजेंसी जांच कर रही है, कोर्ट निगरानी कर रही है। हमारा सवाल ये होना चाहिए कि हम कैसे सकारात्मक रूप से सुझाव देकर इस सिस्टम को और बेहतर कर सकते हैं, ये होना चाहिए। आरोप प्रत्यारोप से सदन नहीं है, आप बेहतर सिस्टम डेवलप करो। और कभी भी सारे एग्जामिनों पर सवाल उठाना सदन के लिए उचित नहीं है। ये सदन इसके लिए है भी नहीं प्लेटफॉर्म। नो